राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दो रंग का डिजाइन बना के दिखाऊंगी। बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू करेंगे, पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी मैं आपको। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में डाल लेना, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल लेना, सारी जगह अच्छा लगेगा। पहले हम तीन फंदे लाल रंग के धागे से बना लेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। ये चार फंदे का डिज़ाइन बनेगा। यही चार फंदे पूरी सिलाई में बना लेंगे। एक, दो, तीन, फिर एक स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे, एक, दो, तीन, तीन बना लेंगे, एक स्लिप कर लेंगे, फिर तीन बना लेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, एक, दो, तीन, फिर एक स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे, यहाँ एक फंदा उठा लें, थोड़ा कम रह गया एक फंदा, तीन फंदे लाल बना लेंगे। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, जो फंदे बना रखे हैं उनको हमें उल्टा बना लेंगे और ये फंदा जो स्लिप कर रखे है इसको स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदे बना लेंगे, तीन फंदे बना लेंगे, एक फंदा ये स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे बना लेंगे, एक फंदा ये स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे बना लेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे बना लेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब ये दूसरी सिलाई, पूरी सिलाई इस तरह उतार देंगे, उल्टी सिलाई। अब एक रंग के धागे की चार सिलाई बनानी है आगे। फिर हमने अब जो ये तीन फंदे हमने सीधे बनाए थे, अब तीसरी सिलाई में इनको हम उल्टा बना देंगे। सीधी साइड हमारी ये, फिर पीछे धागा करके ये फंदा स्लिप कर लेंगे। अब भी हमने तीसरी सिलाई में भी स्लिप कर दिया ये फंदा। फिर तीन फंदे बना देंगे और पीछे धागा करके ये फंदा स्लिप कर देंगे। फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे ऐसे बना देंगे और ये फंदा हम ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे उल्टे बना दिए ये, फिर पीछे धागा करके ये फंदा स्लिप कर दिया, फिर तीन फंदे ये उल्टे बना देंगे। अब की बार तीसरी सिलाई में, पहली सिलाई में हमने ये सीधे बनाए थे, अब ये तीन फंदे उल्टे बना देंगे। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने उल्टी साइड है ये सिलाई भी उल्टी आ गई हमारी। अब इन तीन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे और ये फंदा स्लिप कर लेंगे। तीन फंदे ये उल्टे बना लेंगे और ये फंदा अब स्लिप कर लेंगे। अब ये चौथी सिलाई चल रही है, इन्हीं को बना रहे हैं और यही फंदा, पीला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं चौथी सिलाई तक। फिर ये स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदे बना लिए, एक स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदे बना लिए, ये स्लिप कर लिया। अब ये एक धागे की चार सिलाई उतार दी। अब आगे हम दूसरा धागा चला लेंगे, ये पीले वाला। अब चार सिलाई हमने पीले धागे की चलानी है, उतारनी है। तो देखो ये, अब हमने पीले फंदे, ये फंदा जो स्लिप कर रखा है, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला, इन तीन को पीला बनाना है और ये फंदा हमने स्लिप करना है। अब ये फंदा पीला आ गया हमारा, फिर ये लाल स्लिप कर लिया। अब इन तीन को पीला बनाना है, एक, दो, तीन। अब देखो, एक फंदा ये छोड़ के एक स्लिप कर लिया, तीन लाल पीले बना लिए। अब ये फंदा स्लिप कर लिया, अब इन तीन को पीला बना देंगे, एक, दो और एक तीन। ये स्लिप कर लिया बीच वाला, अब इन तीन को पीला बना देंगे, एक, दो, तीन। फिर ये स्लिप कर लिया, इन तीन को पीला बना देंगे, फिर ये स्लिप कर लिया, इन तीन को पीला बना देंगे। अब फिर हमारी सिलाई आ गई, एक लाल स्लिप कर लिया, तीन पीले फंदे हमने बना दिए। अब ये पीले धागे की पहली सिलाई है या पांचवी सिलाई कह लो डिजाइन की। अब आ गई
दूसरी सिलाई पीले धागे की और छठी सिलाई आ गई उल्टी डिजाइन की। अब जो फंदे बना रखे उनको बना लेंगे उल्टे, और जो फंदे हमने स्लिप कर रखे उनको स्लिप कर लेंगे। सिलाई वही बना रहे हैं जो हमने पहले चार सिलाई बना दी, बस डिजाइन की भी जगह चेंज कर रहे हैं और रंग बदल दिया हमने। सिलाई वही है बस, चार ही सिलाई, तीन बना लिए, एक स्लिप कर लिया, फिर तीन एक फंदा ये बना दिया। अब आ गई छठी थी ये, अब सातवीं सिलाई आ गई। अब जो फंदे हमने बना रखे उन्हीं को बना लेंगे, उल्टे बना लेंगे सीधी साइड से, फिर पीछे धागा करके ये फंदा हम अब भी स्लिप कर देंगे, फिर तीन फंदे ये उल्टे बना देंगे, फिर ये फंदा अब भी स्लिप कर देंगे। अब ये आठ सिलाई का डिजाइन बनेगा, और यही आठ सिलाई हमने आगे बार बार बनानी है। अगर आपने और रंग लगाना है कोई तो आप और रंग भी लगा सको हो, तीन का बना लो, चार का बना लो, बार बार लगा लो, वो ऊन थोड़ी है जो उसको कम लगा लो, और जो ज़्यादा उसको बार बार लगा लो। अब आ गई आठवीं सिलाई और पीले धागे की चौथी सिलाई। अब जो फंदे स्लिप कर रखे उनको स्लिप कर लेंगे, और जो फंदे बना रखे उनको हम उल्टा बना लेंगे। सिलाई हमारी ये उल्टी है, बस सिलाई का ध्यान रखना है कौन सी सिलाई किस तरह बनानी है। वैसे तो डिजाइन ये बहुत आसान है, अब एक ये स्लिप कर लिया, कोने वाला बना लिया। अब आठ सिलाई हमारी पूरी होगी, चार सिलाई होगी हमारी पीले धागे की और चार सिलाई होगी लाल धागे की, ऐसे बनेगा ये। अब फिर हम पहली सिलाई से फिर शुरू कर लेंगे जो हमने लाल धागे से बनाया था। पहली सिलाई में फिर हमारे ये तीन लाल हो गए, ये स्लिप कर लिया, ये तीन लाल हो गए, एक बीच वाला स्लिप कर लिया पीले वाला। यही आठ सिलाई बार बार बनेगी तो बहुत अच्छा डिजाइन बनेगा। अब देखो एक बार फिर मैं पहली सिलाई से फिर बना के दिखा दूँ, बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में बनाया था। पहले हम लाल धागा लगा के तीन फंदे लाल के बना देंगे, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे लाल के बना देंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदे लाल के बना देंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। हमने बॉर्डर के बाद पहली सिलाई इस तरह उतारी थी, तीन फंदे लाल बना देंगे, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप कर लेंगे पीले वाला, फिर तीन फंदे लाल बना देंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे कोने वाले ये लाल हो गए। अब ये पहली सिलाई होगी अगले डिजाइन की, आठ सिलाई बनाएंगे। अब जो फंदे उल्टी सिलाई में जो फंदे जिस रंग के हैं उसी रंग के बना देंगे, सीधे बना देंगे उल्टी साइड से, ये दूसरी सिलाई इस तरह बनेगी।